हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेफाली। लास्ट वीडियोस में हमने क्लासिफाई किया था सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। यहाँ पे मैंने प्योर सेमीकंडक्टर को वीडियोस में मैंने डिफाइन नहीं किया था। प्योर सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें की कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। अगर हम नेचर से लिए हुए सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उनमें नेचुरल इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है, तो उन्हें हमने नाम दिया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करके इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, क्यों? कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो उसे हमने बोला था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हमने फर्दर पी टाइप एंड एन टाइप में डिस्क्राइब किया था। आज हम इस वीडियो में एक और क्लासिफिकेशन जो है सेमीकंडक्टर का, वो पढ़ने वाले हैं। उसमें हम सेमीकंडक्टर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें ओनली सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो जर्मेनियम सिलिकॉन जो है वो एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इनमें जो है, अगर जर्मेनियम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो ओनली जर्मेनियम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, सिलिकॉन में ओनली सिलिकॉन एलिमेंट। अब हम अगर बैंड गैप ट्रांजिशन की बात करें तो एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इनडायरेक्ट बैंड गैप ट्रांजिशन होता है, और इसीलिए हम लोग इन्हें इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब ये बैंड गैप ट्रांजिशन क्या होता है, ये हम कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने के बाद पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को डिफाइन करें तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कंपाउंड मतलब एलिमेंट्स का मिक्सचर है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, यानी कि ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट की मिक्सिंग से बने हुए हैं, वो है कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जनरली थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। थर्ड ग्रुप मतलब जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, फिफ्थ ग्रुप मतलब जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, इंडियम फास्फाइड एक्सेट्रा, ये क्या होता है, कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अगर हम बैंड गैप ट्रांजिशन की बात करें तो वो होता है डायरेक्ट बैंड गैप ट्रांजिशन, और इसीलिए जो कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब आगे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप पढ़ने से पहले देखेंगे जो हमने पढ़ा था एनर्जी बैंड डायग्राम, उसको। ये मैंने ले लिया लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, जिसको मैंने ईसी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर मैंने ले लिया हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ईवी से। अब मैंने क्या बोला था, जब हमने एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा था, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अगर हमें कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना है या किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्ट करवाना है तो क्या करना होगा, एडिशनल एनर्जी अप्लाई करनी होगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़कर कहाँ जाए, कंडक्शन बैंड में। अच्छा, वैलेंस बैंड में बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, तो इसे हम बॉन्डिंग लेवल भी बोलते हैं। इसी तरह से कंडक्शन बैंड में बॉन्डिंग नहीं होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग लेवल। अब यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैंने एनर्जी दी, मिनिमम कितनी एनर्जी, बैंड गैप के इक्वल। मान लो मैंने एनर्जी फोटोन की फॉर्म में दी, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू,
जिसको कि एच सी बाई लेमडा से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ेगा, और कोवलेंट बॉन्ड तोड़कर वो कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो एब्सेंस में जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसे हमने क्या नाम दिया था, होल। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ने जब कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा और वो कंडक्शन बैंड में गया तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया और वैलेंस बैंड में एक मोबाइल होल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की। जनरल रूल जो होता है नेचर का वो क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट में इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं रह सकता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हायर एनर्जी स्टेट में, वो क्या करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में क्या आएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्शन की वजह से आपस में रिकॉम्बाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। और जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी। वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, जितनी हमने एनर्जी अप्लाई की है। क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी ही होगी। तो इस तरह से हमारा जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। सेकेंडली, ये मिनिमम कितनी होगी, ये एनर्जी अगर हम यहाँ पर फोटोन दे रहे हैं तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एनर्जी गैप की जो कि कंडक्शन बैंड मिनिमा और वैलेंस बैंड मिनिमा मैक्सिमा के बीच का एनर्जी गैप है। अब हम आगे जो हम लोग बैंड गैप पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके पहले हम कुछ एक दो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर क्वांटम फिजिक्स की, तो वहाँ पर एक टर्म होती है एच, जो कि होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और एक टर्म होती है के, जो कि होता है वेव नंबर। तो क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में जो मोमेंटम होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एच एंड के। अब आपको इसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम जो होता है वो एच और के का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी जो है मोमेंटम की फॉर्म में वो क्या होती है, पी स्क्वायर बाई टू एम। अगर मैं यहाँ पर पी को एच के से रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगी एच स्क्वायर के स्क्वायर बाई टू एम। यहाँ पर एच स्क्वायर बाई टू एम क्या है, कॉन्स्टेंट। तो एनर्जी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट इंटू के स्क्वायर। यानी कि एनर्जी जो है वो प्रपोर्शनल है के स्क्वायर के। अब यहाँ से अगर हम देखें के और ई के बीच का रिलेशन, तो यहाँ पर ग्राफ का क्या नेचर होगा, पैराबोलिक नेचर। ध्यान रखना, मैं जहाँ पर भी मोमेंटम बोलूँगी वहाँ पर मेरा मतलब होगा के से। तो अगर मैं कहीं पर भी के लिख रही हूँ या कहीं पर भी मैं के बोल रही हूँ या मोमेंटम बोल रही हूँ, तो हमें यूज़ क्या करना है यहाँ पर, के। तो ये हमारी दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, मोमेंटम जो होता है एच ओ के की फॉर्म में इस तरह से होता है, और जो एनर्जी होती है वो मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि एनर्जी और मोमेंटम के जो बीच का ग्राफ होता है उसका नेचर होता है पैराबोलिक। देखो, मैंने कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मिक्सिंग बोला था कि मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स होती है, तो आप मिक्सिंग और डोपिंग में कंफ्यूज मत हुई होगा, क्योंकि मिक्सिंग जो होती है उसका मतलब हम एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हैं। क्यों मिक्स कर रहे हैं वो अभी हम देखेंगे, जो कि डायरेक्ट बैंडगैप सेमीकंडक्टर हमें बनाना है, यानी कि डायरेक्ट बैंडगैप ट्रांजिशन हमें चाहिए, इसलिए हमने एलिमेंट को मिक्स किया। लेकिन डोपिंग में हमें क्या करना था, सेमीकंडक्टर की हमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी, इसलिए हमने वहाँ पर क्या किया था, डोपिंग। तो दोनों प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अलग है, तो आप इन दोनों को आपस में मिक्स मत कीजिएगा। अब हम देखते हैं एनर्जी मोमेंटम डायग्राम।
यहाँ पर मैंने बना दिया कंडक्शन बैंड और यहाँ पर हमने ले लिया वैलेंस बैंड। अब एनर्जी और मोमेंटम का जो नेचर होता है वो कैसे होता है? पैराबोलिक। अब जब भी हम बैंड गैप पढ़ेंगे तो हम ओनली रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करवाना है? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करवाना है। ये मैंने ले लिया वैलेंस बैंड। ये जो वैली होगी ना, यहाँ पर ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स एडजस्ट करेंगे। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में वैलेंस बैंड में क्या था? होल्स। ये होल्स सिर्फ इसी एनर्जी लेवल के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया। और कंडक्शन बैंड में क्या था? इलेक्ट्रॉन। अब हमें रिकम्बाइन कराना है इस इलेक्ट्रॉन को और इस होल को। अब देखो, जब हम रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रिकॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो सेम मोमेंटम पोजीशन पे हो, या इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो मोमेंटम है वो सेम हो। यहाँ पर अगर हम देखें होल का मोमेंटम, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया K1 से, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर हम देखें और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया K2 से, तो ये दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों का डायरेक्टली रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें या तो होल का मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के बराबर बनाना होगा या इलेक्ट्रॉन का होल के बराबर। तो हम किसको बनाएंगे? सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव जल्दी करेगा, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है होल के मोमेंटम के बराबर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है तो उनकी वजह से हमें क्या मिलेगा? डिफरेंट एनर्जी लेवल। डिफरेंट एनर्जी लेवल को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ डिफेक्ट लेवल से, या आप इसको ट्रैप्ड एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले क्या होगा? डिफेक्ट लेवल पे आएगा, यानी कि ट्रैप लेवल पे आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रैप हो जाएगा, यानी कि कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर स्टे करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा। मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा तो हमें क्या करना है? मोमेंटम हमें करवाना है होल के मोमेंटम के बराबर। तो यहाँ पर मोमेंटम डिक्रीज होते होते होल के मोमेंटम के बराबर हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या लग रहा है? हमें जो इलेक्ट्रॉन और होल के जो प्रोसेस में, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में जो हमारा टाइम लग रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो लाइफ टाइम है इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो प्रोसेस है वो स्लो है, स्लगिश है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल जो है उनका मोमेंटम जो है वो सेम नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड होल, वो सेम मोमेंटम पोजीशन पे नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन। और इस टाइप का रिकॉम्बिनेशन जो है वो कौन से एलिमेंट्स में होता है, या कौन से सेमीकंडक्टर में होता है? एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। तो ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट बैंडगैप सेमीकंडक्टर। अब हम देखते हैं डायरेक्ट बैंडगैप सेमीकंडक्टर। वापस से हम क्या करते हैं? एनर्जी मोमेंटम डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और यहाँ पर हो गया वैलेंस बैंड। अब देखो, यहाँ पर
जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन और जो वैलेंस बैंड होल है वो सेम मोमेंटम पोजिशन पर है, सेम मोमेंटम पोजिशन पर है, यानी कि इनका रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन। एक और चीज़ देखिएगा, जब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन किया था तो वो ट्रैप्ड एनर्जी स्टेट से होके गुजरा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है। जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी भी रिलीज होती है, तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट बैंडगैप में रिलीज हो रही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या थर्मल एनर्जी के रूप में, या हीट आप उसे नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है डायरेक्ट, क्योंकि मोमेंटम जो है वो सेम है, तो यहाँ पर भी एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स रिलीज हो रही है, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज हो रही है। अब हम देखते हैं जो डायरेक्ट बैंडगैप होता है ना वो किस टाइप के सेमीकंडक्टर में होता है, तो ये होता है कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। डायरेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कंडक्शन बैंड मिनिमा है और वैलेंस बैंड मैक्सिमा है वो सेम मोमेंटम पोजीशन पे, इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, डायरेक्ट बैंडगैप या डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पीड की, तो करियर का लाइफ टाइम जो है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो एक डिसएडवांटेज जो है वो एलिमेंटल टाइप का या इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन का वो हमें पता चल गया कि ये स्लगिश होता है, यानी कि स्लो होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है लाइट के फॉर्म में वो किस तरह से हो रही है, और क्यों हमें कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो हम देखते हैं। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर क्या होती है, वेवलेंथ। तो लैम्डा को अगर मैं ई की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, एच सी बाय ई। यहाँ पे ई बेसिकली क्या है, मिनिमम एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी है, बैंडगैप। तो यहाँ पर मैं ई इसे ई जी भी लिख सकती हूँ। तो वेवलेंथ जो है वो बैंडगैप के फॉर्म में हमने लिख ली। अब हम बात करते हैं एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। एलिमेंटल टाइप में हम एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का बैंडगैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम वेवलेंथ निकालें तो वेवलेंथ होगी एच सी अपॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो रेंज आएगी ये आएगी इनविजिबल रेंज, यानी कि यहाँ से जो लाइट है वो हमें कौन से रेंज में मिलेगी, इनविजिबल या आईआर रेंज में, ठीक है। इसी तरह से हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में जो बैंडगैप होता है वो होता है 0.78, वहाँ से भी जो हमें लाइट की रेंज मिलेगी वो मिलेगी इनविजिबल रेंज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट बैंडगैप। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया गैलियम आर्सेनाइड, उसका बैंडगैप होता है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम वेवलेंथ निकालें तो वो हो जाएगी एच से अपॉन 1.42, और वो किस रेंज में आएगी, विजिबल रेंज में। यानी कि जो डायरेक्ट बैंडगैप सेमीकंडक्टर है उनसे हमें विजिबल रेंज में लाइट मिल रही है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। लाइट एमिटिंग डायोड का नाम आपने सुना होगा, लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, लाइट एमिट होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट ही तो एमिट हो रही है लेकिन किस में एफिशिएंटली हो रही है, कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। तो इसलिए जो है ना कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है ना ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए यूज़फुल होता है। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ किस तरह से यहाँ पर वेरी हो रही है। अगर हम बात करते हैं एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की, और यहाँ पर मैं फिर से एग्जांपल ले रही हूँ सिलिकॉन का। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती हूँ, मान लो मैंने 300 केल्विन जो है टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो एनर्जी गैप जो होगा, बैंड गैप जो होगा वो होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमारी लैम्डा जो है वो चेंज नहीं हो सकती है। इसी तरह से जर्मेनियम के लिए भी 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा,
तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, वेवलेंथ सेम ही रहेगा, यानी कि वेवलेंथ जो है फिक्स रहेगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। वेवलेंथ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कलर ऑफ लाइट को, तो यहाँ पर जो है कलर वो फिक्स्ड होगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर की। कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बेसिकली ना इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। यहाँ पर एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को, और एक्स की वैल्यू जब भी 0 से 0.45 के बीच में होगी तब ये क्या होगा, हमारा कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर हमें एक बेनिफिट क्या मिल रहा है, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू को, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को चेंज करेंगे, हमारा जो सेमीकंडक्टर वो चेंज होगा, तो हमारा क्या चेंज होगा, एनर्जी गेप। अगर हमारा एनर्जी गेप, बैंड गेप जो है वो चेंज होगा, तो इन टर्म क्या हो चेंज होगी, वेवलेंथ, और वेवलेंथ अगर चेंज होगी तो हमारा कलर जो है लाइट का वो चेंज होगा। तो यहाँ से हमें एक बेनिफिट ये और मिल रहा है कि हमें डिफरेंट कलर की लाइट्स जो है वो कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिल रही है। तो ये एक और एडवांटेज हो गया हमारा कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की या एग्जांपल्स की। टीवी का रिमोट आपने देखा होगा, टीवी के रिमोट में सबसे ऊपर होती है एक छोटी सी एलईडी लगी होती है। उस एलईडी में आपने देखा होगा, आप जब भी कोई भी स्विच प्रेस बटन प्रेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिमोट फंक्शन करता है। जैसे कि मान लो मैंने चैनल चेंज किया, तो उस वो एलईडी जो होती है ना उसमें एक लाइट चलती है, लेकिन वो लाइट आपको कभी भी विजिबल नहीं होती। तो वो हमारी किस रेंज में आ रही है, इनविजिबल रेंज में, यानी कि उसमें जो हमने मटेरियल यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और अगर हम बात करते हैं एलईडीज़ की, जो कि हमारी यूज़ होती है ट्रैफिक सिग्नल्स में। ट्रैफिक सिग्नल्स में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है ना, तो डिफरेंट कलर की लाइट्स होती है और विजिबल होती है, तो वो हमारी किससे बनती है, कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से। तो कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए ज़्यादा है एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से। और कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंडगैप सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया आज का हमारा कंपाउंड एंड एलिमेंटल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।